दोस्तों सब्सक्राइब करें ये एक्स मनाना यूट्यूब चैनल को और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए अपने मोबाइल पर इस बेल आइकन पर क्लिक करें। दोस्तों आप यहाँ पर सामने देख रहे हैं ये कार्बन का मोबाइल है, तो मेरा ये कहना है कि आपके पास चाहे कार्बन का मोबाइल हो, चाहे लावा का हो, चाहे इंटेक्स का हो, कोई भी कंपनी का आपका मोबाइल है, लेकिन उस मोबाइल में अगर FRP लगा हुआ, आप यहाँ देख रहे हैं इस मोबाइल के अंदर में FRP लगा हुआ, ठीक है। तो FRP अनलॉक करने के लिए आप मेडिकल बॉक्स से अनलॉक कर सकते हैं FRP, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि उसके अंदर में IC कौन सा है। तो जैसे मैं आपको बता दूं कि इस मोबाइल के अंदर में मुझे पता है कि इसका SPD IC है, और उसका पता कैसे लगा मुझे, जैसे मैंने मोबाइल को ऑन करके पहले लगाया, ठीक है, कंप्यूटर में, तो नीचे में जो है लिख दिया है कि मॉडल नंबर कौन सा है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, इसका वॉल्यूम माइनस दबा कर जब मैंने केबल लगाया, ठीक है, तो डिवाइस अंदर में शो कर दिया SCI USB 2 Serial, जिससे हमको पता चल गया कि इस मोबाइल में SPD IC है। तो दोस्तों SPD IC को बूट कराने के लिए मैं आपको बता दूं कि वॉल्यूम माइनस से, अभी जितना भी फोन आ रहा है नया, तो वॉल्यूम माइनस से ही ओनली आप बूट कराए मोबाइल को। मोबाइल को ऑफ करना है आपको, वॉल्यूम माइनस दबा के रखना है कंटिन्यू, उसका केबल लगाना है, आपका मोबाइल बूट कर जाएगा, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए अगर आप एक बार बूट करा चुके हैं और मेडिकल टूल में आपका मिसिंग हो गया, मतलब डाटा केबल आपका हिल गया है, ठीक है, और उसके वजह से आप दोबारा आपका मोबाइल बूट नहीं कर रहा है, तो ऐसे कंडीशन में आपको करना क्या है, मोबाइल को दोबारा ऑन करना है, ऑन करने के बाद फिर से ऑफ करना है, ऑफ करने के बाद फिर से आपको दोबारा बूट कराना है, ठीक है। क्योंकि होता यह है कि जब आप एक बार मोबाइल को बूट कराते हैं तो वो बूटिंग मोड में चला जाता है, वापस दोबारा फिर से बूट नहीं करता, तो ऐसे मोबाइल को आप ऑन करेंगे, दोबारा फिर से बूट करेंगे ऑफ करके, तो बूट करेगा वॉल्यूम माइनस से, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैं ये, तो दोस्तों जैसे कि मेरे पास ये मोबाइल है कार्बन का, और मुझे पता है कि इसके इस मोबाइल के अंदर में जो है SPD IC है, और इसका IC नंबर भी मैंने पता लगा लिया है कि इसमें कौन सा IC है, ठीक है। तो ज़्यादातर क्या होता है कि अभी जो 2018-2019 में जो मोबाइल आया है, तो इसमें IC नंबर होता है 9832, ठीक है। तो मैंने जो है यहाँ पे अंदाज़ा लगाया कि 9832 में ही बूट करना चाहिए, क्योंकि मोबाइल जो है अभी 2018 का मॉडल है, 2019 का मॉडल है, तो ये 9832 में बूट करना चाहिए। तो मैंने 9832 यहाँ पे आप देख रहे हैं कि न्यू है बूट, उसके बाद जो है एक 9832A है, तो मैंने 9832A को सिलेक्ट किया यहाँ पे, अभी हम 9832A को सिलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर आपको पता नहीं है IC नंबर कन्फर्म, तो आप 7031 से लेकर के नीचे जितने भी बूट हैं सभी बूट में बारी बारी से आप ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे FRP पर चेक लगाना है, और ये ऑटो है, ये ऑटो ही रहेगा, ऑटो पे ही चेक लगाना है आपको, स्टार बटन पर क्लिक देना है, और मोबाइल को ऑफ करना है, और वॉल्यूम प्लस माइनस दोनों नहीं दबाना है, ओनली वॉल्यूम माइनस दबाना है, और अच्छा सा डाटा केबल अगर आपके पास रहेगा तो एक बार में मोबाइल आपका बूट करेगा। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ट्राई किया, फिर दोबारा मैं ट्राई कर रहा हूँ, उसके बाद मैंने वॉल्यूम माइनस दबा करके बूट कराया, तो आप यहाँ पे देखें बूट डाटा जो है यहाँ पे बूट लोडर ID इधर दे रहा है, और ये कारण जो होता है आपका डाटा केबल अगर मतलब पुराना है या मिस कर रहा है, ठीक है, उसकी वजह से ये एरर देता है। चलिए हम दोबारा ट्राई करते हैं, ठीक है, फिर से हम वॉल्यूम माइनस दबा करके मोबाइल को बूट कराएंगे। तो अगर मान के चलिए आपका मोबाइल बूट नहीं करता, तो फिर मोबाइल को आप ऑन कर लेंगे, ऑन करके फिर से मोबाइल को ऑफ करके फिर से वॉल्यूम माइनस दबा के बूट कराएंगे तो बूट करेगा। दोस्तों आप यहाँ देखते हैं हमारा मोबाइल बूट कर चुका है, और इस मोबाइल का जो है FRP यहाँ पे जो है सक्सेसफुली यहाँ पे जो है रिसेट हो चुका है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप किसी काम आए, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ, और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।